और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं कालका से। रायपुर रानी शक्ति रानी शर्मा रायपुर पहुंची, गुप्ता नर्सिंग होम पहुंची शक्ति रानी शर्मा। शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से चाय पर चर्चा की, बीजेपी उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कालका से, शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से चाय पर चर्चा की है। तो लोगों से चाय पर चर्चा यहाँ बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी। कालका से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर रानी पहुंची बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा, और बीजेपी की उम्मीदवार है कालका से शक्ति रानी शर्मा, लोगों के बीच पहुंची है, चाय पर चर्चा उन्होंने लोगों से की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रायपुर रानी पहुंची शक्ति रानी शर्मा कालका से। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं शक्ति रानी शर्मा, और इसी बीच रायपुर रानी पहुंची शक्ति रानी शर्मा ने यहां पर लोगों से चाय पर चर्चा की। बीजेपी से उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, हाल ही में पार्टी ज्वाइन की, गुप्ता नर्सिंग होम पहुंची, और तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब लोगों से मुलाकात की। गुप्ता नर्सिंग होम पहुंची थी शक्ति रानी शर्मा, और इस दौरान देखिए शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से चाय पर चर्चा की। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा की, उनसे जाना कि किस तरह की समस्याएं उन्हें हैं, उन्हें बताया कि किस तरह से भाजपा शासन में काम हुए और किस तरह से आगे भी काम होते रहेंगे। शक्ति रानी शर्मा की ओर से जाहिर तौर पर लोगों की समस्याएं जानी गई और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि आने वाले वक्त में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उनकी उस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। ये जाहिर तौर पर शक्ति रानी शर्मा की ओर से लोगों से कहा गया। तो चूंकि बीजेपी की उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा और अपने पार्टी के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए लोगों के बीच लगातार वो पहुंच रही हैं, उनके जो चुनाव प्रचार की कमान है खुद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने हाथों में ली हुई हैं। लगातार देखा जा रहा है पूरे परिवार को कि प्रचार प्रसार में सभी जुटे हुए हैं, और यहाँ पर बीजेपी की कालका से उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लोगों के बीच पहुँची हैं, और यहाँ गुप्ता नर्सिंग होम में वो पहुँची और वहाँ पर लोगों से उन्होंने बातचीत की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी आपस में बातचीत करते हुए शक्ति रानी शर्मा के सामने सभी बैठे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, जो हालात इलाके के हैं वो बता रहे हैं, और किस तरह की मांगें उनकी हैं उसको लेकर भी चर्चाएं इस दौरान जाहिर तौर पर की गई होंगी। तो शक्ति रानी शर्मा की ओर से अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये एक और कदम, और यहाँ पर गुप्ता नर्सिंग होम वो पहुँची और उसके बाद शक्ति रानी शर्मा यहाँ पर लोगों से बातचीत करती हुई नजर आई, चाय पर चर्चा उन्होंने लोगों से यहाँ पर की है। रायपुर रानी पहुंची हैं शक्ति रानी शर्मा और लोगों से यहाँ पर बातचीत उन्होंने की। हालांकि भारी समर्थन लोगों का मिल रहा है शक्ति रानी शर्मा को, हाल ही में देखा गया जब 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी तो पूरा परिवार चुनाव प्रचार में जुटा रहा।